से कैलीग्राफ पे काम किया गया है, इंतहाई खूबसूरत काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये आपके सामने जो कैलीग्राफी का एक खूबसूरत मंजर चल रहा है, ये हमारी बेटी हैं एक, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। और इस तरह आगे इसके बाद उन्होंने एक सूफीज़म के ऊपर एक पेंटिंग बनाई है, इंतहाई खूबसूरत कलर का ये कम्बिनेशन है। और ये आपको बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि देहातों में किस दर्जे का टैलेंट जो है वो मौजूद है, और ये खुदादाद टैलेंट है। ये लैंडस्केप है और बेसिकली ये आयल पेंटिंग है। देखें किस खूबसूरती से और महारत के साथ, रंगों के साथ जो है इसको पेंट किया गया है। ये आगे लाइव ड्राइंग है, जब ये चारकोल के ऊपर बनाई गई है, इसमें मून का जो बेसिकली वो मंजर है वो आपके सामने पेश किया गया है। तो ये सारे का सारा जो मंजर आपके सामने खूबसूरत निगाहों से गुजर रहा है, ये इंतहाई कम उम्र एक हमारी मसवरा हैं, उनकी तरफ से है। ये देखें, ये आपके सामने एक लाइव ड्राइंग है, इसको चारकोल के साथ बनाया गया है। और देखिए किस चाबक दस्ती और महारत के साथ ये तस्वीर कशी की गई है। आगे आपको फिर एक इंतहाई खूबसूरत लैंडस्केप जो है इन पेस्टल में, जो ये पेस्टल में बेसिकली बनाया गया, ये पेस्टल है। देखें कि किस महारत और चाबक दस्ती के साथ रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये इंतहाई खूबसूरत काम है। इस काम को बेसिकली आप लोगों के सामने लाने का मकसद ये है कि ये टैलेंट हंट है, कि हम टैलेंट को जब वो तलाश कर रहे हैं। ये देखें स्टिल लाइव है, ये बच्ची का भी स्टिल लाइव है, कि ये सामने एक तस्वीर रख के उसके बाद पेंट किया गया है। ये आपके सामने एक और पेंटिंग है, ये भी स्टिल लाइव है, ठीक है, इंतहाई खूबसूरत कलर इस्तेमाल किए गए हैं। ये जनाब देखिए, ये नेचुरल स्टिल लाइव है, ठीक है जी। और आगे देखें, ये जनाब स्टेंसल्स है, ये नेचुरल स्टडी है जनाब, एक बेहतरीन पेंटिंग है। बिल्कुल गमला सामने रख के जिस तरह के फूल थे उसी तरह रंगों से खेला गया है। आगे ये देखिए, ये भी वो बेहतरीन वर्क है, ठीक है जी। बिल्कुल बच्चे को सामने बिठा के ये पेंटिंग की गई है। ये देखें, ये बिल्कुल स्टिल लाइव जो हमारे सामने एक काम है वो नज़र आ रहा है। ये चीज़ें सामने रख के इसके ऊपर काम किया गया है। ये देखिए, ये भी स्टिल लाइव है, पेस्टल है ये। ये देखिए स्टेंसलिंग भी है। ये देखिए माशाल्लाह, इंतहाई खूबसूरत कलर कम्बिनेशन है। ज़रा गौर से देखिएगा कि ये ऐसे ही लगेगा कि आपके सामने चीज़ें जैसे ज़िंदा हो गई हैं। ये फिर देखिए बेटी ने एक इंतहाई खूबसूरत फिगर कंपोजिशन है, चारकोल में इसको बनाया गया है, ठीक है जी। ये फिर अगला जो मंजर है ये स्टिल लाइव इन है, देखिए स्टिल लाइव इन, सामने चीज़ें रख के इनकी तस्वीर बनाई गई है। लैंडस्केप इंतहाई खूबसूरत पेंसिल स्केचिंग के साथ, चारकोल के साथ इंतहाई खूबसूरत एक शहर की जो है अक्कासी की गई है। और ये सारी की सारी पेंटिंग्स हमारी बेटी ने बनाई हैं, ये स्टिल लाइव है, ठीक है जी। ये देखिए दरख्त जो है उसको ऊपर काम किया गया, लैंडस्केप है ये लैंडस्केपिंग है बेसिकली। और अगला मंजर इंतहाई खूबसूरत स्टिल लाइव का आएगा आपके सामने, ये तस्वीर देखिए स्टिल लाइव है। ये सारी की सारी जो मुसवरी है और मुख्तलिफ मीडियम में जो काम किया गया है, वाटर कलिंग है। ये देखिए नेचुरल, एक नेचर को पेंट किया गया है। ये सारी की सारी जो आपके सामने तस्वीर आ रही हैं, ये देहात में बैठकर इंतहाई कम और महदूद वसाइल के साथ बैठकर बनाई गई हैं। ये सारे मनाजर आपको के दिल लुभा लेंगे। बुनियादी तौर पर हमें इस मीडियम को और इस आर्ट को फ़रोग देने की ज़रूरत है। हमारा मकसद ये वीडियो आपको दिखाने का ये है कि हमको आपको दिखा सकें कि देहातों में कितना खूबसूरत काम हो रहा है। और ये झेलम के एक छोटे से गांव की बच्ची है,
जिसको अल्लाह ताला ने ये वस्फ़ और हुनर और टैलेंट अता किया है। हम सब का काम है कि जहाँ जहाँ हमें ऐसा टैलेंट नज़र आए उसकी हौसला अफज़ाई करें और उसे लोगों तक पहुँचाएँ और इसको कोशिश करें कि पाकिस्तान लेवल तक मुतारफ़ कराएँ। अल्लाह करीम इस बच्ची के इस टैलेंट को मज़ीद ताकतें अता फरमाए और इसको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये आप लोगों का तामन होगा, इस वीडियो को लाइक करें और इसे आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला आप सब का और हमारा हामी व नासिर हो। जज़ाकअल्लाह।